जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी यहाँ पे घोषणा कर दिया, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया दोस्तों। सिर्फ आपको राशन कार्ड पे यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। जी हाँ, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे 5 लाख रुपए ले सकते हैं और दोस्तों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ आपको आवेदन करना है दोस्तों, क्या आपकी कागजी प्रक्रिया रहेगी, कंप्लीट जानकारी हम आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत आपको दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे और भी कुछ नियम लागू किए गए हैं, उन नियमों की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि बिना हेलमेट के यहाँ पे किसी भी पेट्रोल पंप पे आपको यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। तो देखिए हेलमेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया है और यह दोस्तों आपके सामुदायिक केंद्र और जिलों में फ्री में बांटे गए हैं। दोस्तों कल हेलमेट आपके लिए फ्री में बांटे गए और आज भी यहाँ पे फ्री में बांटे जाएंगे। तो यदि आपके पास हेलमेट नहीं है तो आप फ्री में जो हेलमेट बांटे जा रहे हैं उस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहां आपको ना कोई आवेदन करना है ना कुछ करना है, सिर्फ वहां पे आपको दोस्तों अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देना और फ्री में आपको हेलमेट ले लेना है। अब देखिए बात करेंगे जो यहाँ पे राशन कार्ड पे आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं उस योजना की, देन दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे आपके लिए जो बेरोजगारी भत्ता चल रहा है दोस्तों, कैसे आपको बेरोजगारी भत्ता ले लेना है इस चीज की हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। यदि आपको अभी तक स्कूटी नहीं मिली है तो आप स्कूटी योजना में कैसे आवेदन करेंगे, इस चीज की भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पे दोस्तों राशन कार्ड पे आपको मिल रहे हैं 5 लाख रुपए, तो कैसे आप इस योजना का लाभ लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या आपको डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कौन कौन से कागजात आपको चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही है, पढ़ाई है और हम भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड पर ही दोस्तों यहाँ पे ये 5 लाख रुपए आपके लिए मिल रहे हैं। तो यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप इस योजना का लाभ बड़ी आसानी से उठा सकते हो। देखिए उसके बाद में देखिए आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो वहाँ पे आधार कार्ड लगा लेना है, और वोटर कार्ड नहीं है तो भी यहाँ पे यह योजना का लाभ आप ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड के बाद दोस्तों आधार कार्ड होना चाहिए और किसी भी सरकारी बैंक में आपका एक खाता होना चाहिए जो आपके सरकारी बैंक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बता दें आपको कि प्राइवेट बैंक में जो भी आपका खाता होगा वह यहाँ पे नहीं चलेगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों, यदि आपको ये 5 लाख रुपए का लाभ चाहिए तो आपको राशन कार्ड नहीं है ना आपके पास तो भी आपको राशन कार्ड बनवा लेना है। यह राशन कार्ड दोस्तों आपको 10 से 15 दिन में बन जाता है। यदि आपको नहीं पता है इसकी प्रोसेस तो वो भी हम आपको बता देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों कैसे आप राशन कार्ड 10 से 15 दिन में बनवा सकते हो, ये हम आपको बता देंगे पूरी प्रक्रिया। देखिए दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो भी उन 5 लाख रुपए से जो भी दोस्तों आपको बिजनेस प्रोग्राम जो भी स्टार्ट करना है उसकी डिटेल्स किसी भी फाइल में लिखी होनी चाहिए और उसी फाइल में अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको लगा देनी है। दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाने के बाद आपको जाना है अपने जिले के सामुदायिक विकास केंद्र में। दोस्तों वहां पे सामुदायिक विकास केंद्र में जाके आपको दोस्तों एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप कर देना है यानी भर देना है दोस्तों। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, ये फॉर्म भरने के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराई है उन डॉक्यूमेंट्स को लेके वहाँ पे दोस्तों फाइल में उनको लगा के और आपको यह अपना आवेदन कर देना है सामुदायिक विकास केंद्र में जाके। तो यहाँ पे दोस्तों एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके लिए यहाँ पर राशन कार्ड में जो भी आपने वहाँ पे बैंक अकाउंट लगाया है, सरकारी बैंक का खाता लगाया है, एक हफ्ते में दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। काफ़ी लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है या जो लोग इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें जरूर बताएं दोस्तों, और आप किस जिले में किस स्टेट में रहने वाले हैं ये जरूर बताएं। इतनी सारी जानकारी देनी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना फालतू इस चीज़ का, ना कोई नंबर लिखना है ना कोई भी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखना है, सिर्फ आपको अपना नाम, अपने राज्य, अपने जिले का नाम लिख देना है जिससे कि आपको योजना का लाभ मिल सके सबसे पहले। और दोस्तों यह 5 लाख रुपये आपको 5 साल में वापस करने हैं, इन पर कोई भी किसी भी तरह का ब्याज नहीं होगा। यह आपकी बिजनेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सभी को रोजगार मिले, सभी लोग यहाँ प्रोसेस करें, तभी जो है भारत देश हमारा विकसित हो सकता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों बहुत अच्छी योजना चलाई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही भावी, बहुत ही अनुभवी यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, जिनके मार्गदर्शन में देश काफ़ी यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप भी इस योजना का लाभ उठाइए यदि आपने अभी तक नहीं उठाया है दोस्तों। तो
तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट योजना की। देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य, अपने जिले और अपना नाम देके जिनको भी यहाँ लिस्ट में अपना नाम डलवा देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिनको भी इस योजना में लाभ चाहिए वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, जिससे आपको लाभ मिले सबसे पहले और हम आपका नाम यहाँ से आगे बढ़ा सकें। अब देखिए बात करेंगे जो यहाँ पे फ्री स्कूटी योजना चल रही है, जिन भी लड़कियों को अभी तक यहाँ पे फ्री स्कूटी योजना नहीं मिली है उनको यहाँ कैसे लाभ लेना है वो हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपके और आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर होनी चाहिए। 5 किलोमीटर से यदि कम है तो बहुत ही कम केसेज में स्कूटी मिल रही है, लेकिन काफ़ी लड़कियों को मिल भी चुकी है जिनकी डिस्टेंस मात्र 2-3 किलोमीटर है उनको भी यहाँ पे मिल गई है। तो चलिए आप जहाँ भी पढ़ने जा रही हैं, जहाँ भी आपको आप अपने ऑफिस वगैरह में जा रही हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम देना है और आप जो है किस राज्य से किस स्टेट से हैं वो चीज़ हमको यहाँ पे बता देनी है दोस्तों। तो यहाँ से क्या है कि कम्प्लीट आपका डाटा यहाँ पता चल जाएगा। यदि आपके स्कूल की डिस्टेंस थोड़ी बहुत है तो आपको यहाँ पे स्कूटी मिल जाएगी, जिनकी 5 किलोमीटर है उनको यहाँ स्कूटी मिलना एकदम पक्का है दोस्तों। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने राज्य जिले का नाम हमें ज़रूर बताएं जिससे आपको यहाँ पे लाभ मिले सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। अब देखिए दोस्तों बात करेंगे आप जो है स्कूटी योजना में अपने CSC सेंटर पर जाके कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोसेस करेगा उसी को स्कूटी मिलेगी, विदाउट प्रोसेस किसी को नहीं मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी कमेंट्स में बार बार पूछ रहे थे कैसे हमको स्कूटी मिलेगी, कैसे स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट बताने वाले हैं। और जिनको भी अभी तक हेलमेट नहीं मिला है, जिनके पास हेलमेट नहीं है, वह दोस्तों अपने ज़िले में दोस्तों जाके वहाँ पे हर ज़िले में हेलमेट बांटे जा रहे हैं फ्री में। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने नया नियम लागू किया है कि बिना हेलमेट के किसी को भी पेट्रोल नहीं मिलेगा पेट्रोल टंकियों पे। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ आप फायदा उठाइए ज़रूर जिनके पास नहीं है। अब देखिए बात करेंगे हम स्कूटी योजना की, तो जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी आपने एग्जाम्स पास किए हैं उनकी दोस्तों फोटो कॉपी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की करा लेनी है, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो तो उनकी फोटो कॉपी यहाँ पे करा लेनी है। उसके बाद में आपके पास देखिए आधार कार्ड होगा, उस आधार कार्ड की फोटो कॉपी और दोस्तों आपके स्कूल कॉलेज का जो भी पहचान पत्र है उसकी फोटो कॉपी आपको यहाँ पे करा लेनी है। और उसके बाद में दोस्तों अपने नज़दीकी CSC सेंटर, अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि ये CSC सेंटर होता क्या है, तो ये होता है जनसेवा केंद्र जो आपके गांव-गांव और शहर शहर में खुलवाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वहाँ पे जाके आपको ये आवेदन कर देना है स्कूटी योजना के तहत, और दोस्तों हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको यहाँ पे स्कूटी मिल जाएगी। काफ़ी लड़कियों को स्कूटी मिल चुकी है, तो यदि आपको नहीं मिली है तो ज़रूर यहाँ पे आवेदन करिएगा। अब देखिए बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता की, जिन भी बहनों को यहाँ पे अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है और पढ़े लिखे हैं अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, इनको यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता देने का प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया है, क्योंकि ये जानते हैं देखिए पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी पैसा पैसा जो होता है खर्च होता है, और इनके बाद यदि जॉब नहीं मिले, सरकारी जॉब ना मिले, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं और आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दोस्तों योजना चलाई है, जो यहाँ पे 3,500 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक मिलता है मंथली। तो कैसे आप इसका लाभ लेंगे, देखिए जो भी आपने लास्ट टाइम जो भी एग्जाम पास किया है, जितनी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी अच्छे मार्क के साथ में, मैं यही कहूँगा जो भी क्लास आपने अच्छे मार्क के साथ में किया उसी की यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जैसा कि दोस्तों आपकी योग्यता के आधार पर आपको यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये 3,500 से स्टार्ट हो गए 6,000 रुपये तक है। तो दोस्तों जो भी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है उनकी फ़ोटो कॉपी करा लेनी है, और आपको अपने आधार कार्ड अपने वोटर कार्ड की यहाँ पे फ़ोटो कॉपी उनके साथ में सबमिट कर देनी है। यदि आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यदि आप कोई जॉब कर रहे हो तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद आपको जाना है दोस्तों अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे। देखिए बता दें सभी योजनाएं ज़्यादातर 90% योजनाएं CSC सेंटर से ही लागू की जा रही हैं। तो दोस्तों आपको अपने CSC सेंटर पे जाके यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता योजना, प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना में आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है जिससे कि आपको यहाँ लाभ मिले सबसे पहले। अब जिन भी लड़कों को जिन भी लड़कियों को यहाँ पे इस योजना में लाभ चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है ये दोनों चीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें कि आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं जिससे कि आपको लाभ मिले इस योजना में।
तो दोस्तों यही जानकारी थी, कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। इसी स्टेप से, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। और भी दोस्तों जो भी डेली अपडेट्स आते हैं, उन अपडेट्स को लेने के लिए नीचे वाला रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी, किसी नई अपडेट दोस्तों, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।